हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतंदर आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं एक सीलिंग फैन जो ख़राब हो चुका है और हमको आज जांच करना है कि सीलिंग फैन का जांच हम कैसे करते हैं और इसमें कौन कौन से हमको जो है ना प्रोसेस करना होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका कुछ नट्स होते हैं जो नट को हमको खोलना है और जैसे ही हम नट को खोलते हैं तो आपको एक कैपेसिटर मिल जाएगा। कैपेसिटर को आपको हटाना पड़ेगा, कैपेसिटर का एक कैप मिलेगा, ये भी आपको निकालना पड़ेगा। और जैसे ही आप कैप को इसका निकाल देते हैं, कैपेसिटर कैप को, उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी तारों को इसके बीच में लाना है। जब आप इन तारों को बीच में ले आते हैं तो क्या करना है, आपको इसे थोड़ा सा बल से ठोकना पड़ेगा ताकि ये खुल जाए आसानी से। जैसे ही इसको ठोकेंगे देखेंगे कि इसका जो ऊपर वाला भाग है पंखे का वो पूरी तरह से खुल चुका है। आप खुलने के बाद देख पाएंगे कि इसमें किस प्रकार से सामान उपलब्ध होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह रोटर है जिस पर कि वाइंडिंग की होती है। और अब हम लोगों को देखना यह है कि इस पंखे में कौन से क्वाइल ख़राब हुए हैं, इसका रनिंग या स्टार्टिंग। तो इसको जांच करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक टेस्ट लैंप तैयार करना होगा जिसके सहारे से हम लोग इसे जांच कर पाएंगे। तो टेस्ट लैंप तैयार करने के लिए आप लोग कई बार पहले भी कर चुके होंगे टेस्ट लैंप की तैयारी। टेस्ट लैंप तैयार करने के लिए आपको एक बल्ब, एक होल्डर की आवश्यकता होती है और 3 वायर की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने भी यहाँ पर एक बल्ब और एक होल्डर ले रखा है और इसके साथ होल्डर के साथ वायर का कनेक्शन भी किए हैं और एक एक्स्ट्रा वायर रखे हैं। और हम देखेंगे कि इसको जैसे ही यहाँ पर हम सॉकेट में डालेंगे, अब यह एक टेस्ट लैंप तैयार हो गया। देख पा रहे होंगे कि इससे हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब पूरी तरह से जलता है। आगे हम लोगों को अब देखना क्या है कि इसमें कौन से वाइंडिंग जले हुए हैं। अगर जला हुआ है तो इस टेस्ट लैंप के माध्यम से पता चल जाएगा, अगर नहीं जला हुआ है तो ये भी पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों का तार का चयन करना होगा कि किस वाइंडिंग का कौन सा तार है। मान लिया जाए एक वाइंडिंग का ये तार है, ठीक है, और दूसरे का ये, अगर रनिंग का ये है तो स्टार्टिंग का ये वायर है, रनिंग का ये वायर है और स्टार्टिंग का ये वायर है। तो आपको क्या करना है, एक बार रनिंग को चेक करना है, दूसरे बार स्टार्टिंग को चेक करना है। और जिसमें बल्ब नहीं जलेगा वो वाइंडिंग माना जाएगा कि जल चुका है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रनिंग का, रनिंग वाइंडिंग में आप देख पा रहे होंगे कि बल्ब जल रहा है, मतलब यह वाइंडिंग सुरक्षित है, यह वाइंडिंग मेरा नहीं जला है। अब हमको चेक करना है दूसरा वाइंडिंग। तो दूसरे वाइंडिंग को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग के तारों को हम लोग संपर्क में लाएंगे। तो स्टार्टिंग तार को जैसे ही हम लोग संपर्क में लाते हैं तो देखते हैं कि यह बल्ब प्रकाशित नहीं हो रहा है, यानी नहीं जल रहा है। मतलब यह है कि इस पंखे का जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या हुआ है, जल चुका है। अब हम लोगों को साथ ही जब हम लोग सीरीज लैंप तैयार कर चुके हैं तो साथ ही चेक कर लेना है कि इसका जो बॉडी है उसमें करंट आता है या नहीं, क्योंकि किसी भी फैन में बॉडी में करंट नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर वाइंडिंग हमारा तो गलत है। तो हम इसमें चेक कैसे करेंगे कि एक वायर को हम वाइंडिंग से टच रखेंगे और दूसरे को बॉडी के संपर्क में लाएंगे, और अगर बल्ब प्रकाशित होता है तो इसमें बॉडी करंट है, अन्यथा बॉडी करंट शून्य माना जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने एक वायर को पंखे के बॉडी से और दूसरे वाइंडिंग वायर से जोड़ा है, फिर भी बल्ब पूरी तरह से प्रकाशित नहीं है, मतलब कोई प्रकाश यानी बल्ब नहीं जल रहा है। तो मतलब इसमें बॉडी करंट शून्य है। किसी भी वाइंडिंग से आप चेक कर पाते होंगे तो किसी भी वाइंडिंग से यह नहीं प्रकाशित होता है, मतलब कि बॉडी करंट शून्य है। इस फैन में हम लोगों को मिला कि इस फैन का जो है रनिंग वाइंडिंग जल चुका है, और अगर ये वाइंडिंग जल चुका है तो
और रनिंग ने स्टार्टिंग वाइंडिंग जला हुआ है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जल चुका है, तो हमको क्या करना होगा, इसके स्टार्टिंग वाइंडिंग को काटना होगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग को काट कर निकालेंगे और पुनः इसका हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कर देंगे। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग करने के लिए आपको सही तार का चयन करना होगा, सही तार का क्या करना होगा, चयन करना होगा। तो आप अगर पुराने फैन मान लिया जाए, इसी फैन को हमें बनाना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को कटिंग करेंगे और स्टार्टिंग वाइंडिंग को कटिंग करने के बाद एक स्लॉट के वायर को काउंट कर लेंगे कि इसमें कितने वायर्स है, 220 या 340, जितने भी वायर्स होंगे तो हम क्या करेंगे, उतना ही इसमें क्या करेंगे, टर्न हम डालेंगे। और किस साइज के तार से, जिस साइज का वायर इसमें प्रयोग किया गया है, जैसा कि इस फैन में अभी जो वायर प्रयोग किया गया है वो 36SWG का है, कितने का है, 36SWG का, तो हम लोग भी चयन करेंगे 36SWG और उसी से इस पर क्या करेंगे, वाइंडिंग करेंगे। और वाइंडिंग करने के बाद हम लोगों को क्या करना होता है, इसका रनिंग का फर्स्ट और स्टार्टिंग के फर्स्ट को शॉर्ट कर देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपके पास दो वायर होंगे, इसको आप इस प्रकार से क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद आपका ये वायर कॉमन वायर कहलाएगा, कॉमन तार हो जाएगा, कॉमन जंक्शन हो जाएगा, यहाँ से आप इस प्रकार से कनेक्शन कर लेंगे। और जो इसका फर्स्ट आपने शॉर्ट किया तो लास्ट जो फर्स्ट रनिंग और स्टार्टिंग का बचा उसको आप सेपरेट ले जाते हैं, तो दो वायर आपका क्या हो जाता है, एक तो रनिंग का होता है, दूसरा स्टार्टिंग का, पहला रनिंग का और दूसरा स्टार्टिंग का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये स्टार्टिंग का वायर है, ग्रीन कलर का हमने इस पर प्रयोग किया है, किसके लिए, स्टार्टिंग के लिए, और येलो कलर का जो प्रयोग किए हैं वो रनिंग के लिए, और जो रेड कलर है ये कॉमन कलर का है, मतलब यह क्या है, या रनिंग और स्टार्टिंग का एक जो फर्स्ट को हम लोग एक साथ कनेक्ट करते हैं कॉमन पॉइंट, यह रेड कलर का है। तो आप जब आपको जब पंखे में तीन वायर मिलता है बाहर में, तो आप कई बार ये सोचते हैं कि तीन वायर में हम कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे करेंगे, लाइन का कनेक्शन कैसे करेंगे, तो आपको बिना खोले भी आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। अक्सर में आपको रेड कलर का ही कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, कॉमन पॉइंट कौन सा मिलेगा, रेड कलर का। तो रेड कलर जो कॉमन पॉइंट मिलेगा उसमें तो कभी आपको जो है ना कैपेसिटर को कनेक्ट ही नहीं करना है, कनेक्ट किस में करना है आपको कैपेसिटर को, तो कनेक्ट आपको एनीवे किस में करना है, तो रनिंग और स्टार्टिंग के जो लास्ट पॉइंट है, तो मतलब एक तो रनिंग का ये हो गया मेरा और स्टार्टिंग का ये हो गया, तो ये तो आप बिना खोले भी कर सकते थे। आप अगर पंखा को नहीं भी खोलते हैं तो फिर भी आप इस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं, मतलब किसमें आपको कैपेसिटर को जोड़ना है, तो आपको रनिंग और स्टार्टिंग का जो आखिरी जंक्शन है, आखिरी बिंदु है, उस दोनों के बीच में क्या करना है, एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देना है। और कैपेसिटर को जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो एक में आपको क्या करना है, फेज डाल देना है, और यह कॉमन पॉइंट जो है इसमें आपको क्या करना है, न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। और जैसे ही आप इसमें न्यूट्रल और इसमें फेज कनेक्ट करते हैं, पंखा जो है वो पूरी तरह से चलना प्रारंभ करता है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि इसका कैसे हम लोग वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग की प्रक्रिया को देखेंगे, आगे फिर हम लोग वाइंडिंग करके इसका कनेक्शन करके इसे सुचारू रूप से चला के भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।